हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है कैम्फर। एमएससी फाइनल ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंथेसिस फर्स्ट एंड सेकंड का थर्ड पेपर है। ठीक है, तो एमएससी फाइनल ईयर में कई बार पूछी गई रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। आज हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में बनी रहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसके बारे में थोड़ा कुछ लिख लेते हैं। जैसे इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट इज सिंथेटिकली ऑब्टेन फ्रॉम मिसिटाइल ऑक्साइड एंड डाइथाइल मेलोनेट। ठीक है, किससे ऑप्टेन होता है ये प्रोडक्ट? मिसिटाइल ऑक्साइड एंड डाइथाइल मेलोनेट से। ठीक है, तो डायरेक्ट रिएक्शन देखते हैं इसकी। डायरेक्ट रिएक्शन देखते हैं, जैसे ये क्या है हमारा प्लस CH2COCOET। ठीक है, यहाँ पे रिजेंट यूज होगा। यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे रिजेंट यूज होंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे तब लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, यहाँ पे ओनली मैंने रिजेंट लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, कैम्फर बनेगा। क्या बनेगा हमारा, कैम्फर बनेगा। ठीक है, तो इसमें ये क्या बन जाएगा हमारा, कैम्फर की स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, कैम्फर हो गया। ये क्या हमारा, मिसिटल ऑक्साइड। ये क्या हमारा, डाइथाइल मेलोनेट। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। इसकी क्या देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं। इसकी मैकेनिज्म बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ठीक है ना, इस बार आने के 90% चांस है। ठीक है, तो जैसे लेते हैं, सबसे पहले ये ले लिया, मेसिटल ऑक्साइड ले लिया प्लस CH2COOET। ठीक है, यहाँ पर रिजेंट कौन से यूज करेंगे, हम रिजेंट यूज करेंगे इथाइल एल्कोहल। किसकी प्रेजेंट में, HCl की प्रेजेंस में। ठीक है, तो इथाइल एल्कोहल एक किसकी तरह काम करता है, कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, जो कि इस प्रोटॉन को पकड़ लेगा। ठीक है, जैसे CH C डबल बॉन्ड ओ ई टी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, प्लस में हमारा क्या चल रहा है, मिसिटल ऑक्साइड। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज हमारा इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, 1,4-एडिशन होगा। 1,4-एडिशन, 1, 2, 3, 4, यानी कि ये क्या होगा हमारा, 1,4-एडिशन, जिसे हम माइकल एडिशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 1,4-एडिशन होगा, तो इसे हम लिखेंगे इस तरीके से, C डबल बॉन्ड ओ ई टी। ये वाला हमारा नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया और ये इधर हो गया। ठीक है, ये वाला फोर पोजीशन ये हो रही, 4, 3, 2, 1। ठीक है, और ये वाला हमारा ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। यहाँ पे इसको क्या दे देंगे, प्रोटॉन दे देंगे। ठीक है, ये प्रोटॉन ले लेगा, तो प्रोटॉन ले लेगा, तो ये क्या बनेगा हमारा, C डबल बॉन्ड ओ ई टी। ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा, एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, टोटोमेरिज्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगी हमारी टोटोमेरिज्म, तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्कोहल से हमारा क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है। ठीक है, ये तो सब आप जानते होंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो हमारा ये बन चुका है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं क्या बन गया हमारा, ये बन गया।
नेक्स्ट लेंगे हमारा क्या बना था, सी डबल बॉन्ड एटी, सी डबल बॉन्ड एट, ठीक है, ये हमारा कीटोन बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या लेंगे हम, एटी और निगेटिव लेंगे, यहाँ पे हमारे तीन प्रोटॉन है। ठीक है, एक प्रोटॉन को पकड़ लेगा, इसके लोन पेयर इधर जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारी प्रोसेस होगी। तो हम नेक्स्ट आगे कैसे बढ़ेंगे, इस तरीके से, ये हो गया हमारा सी डबल बॉन्ड ओ ए टी, इसको हम खोल के लिख लेते हैं ए टी। ठीक है, ये इधर हो जाएगा और ये ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसके लिए क्या, ये नेगेटिव चार्ज हमारा इधर जाता है और डबल बॉन्ड हमारा इसमें जाएगा और ये हमारा बाहर निकलेगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो कितनी बनेगी, सिक्स मेंबर रिंग बनेगी। क्या बनेगी, सिक्स मेंबर रिंग बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिक्स मेंबर रिंग बना देंगे। ठीक है, तो ये ऊपर जाके वापस आएगा, इसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, कीटोन बन जाएगा, ये कीटोन बन जाएगा और ये हमारा सी डबल बॉन्ड हो एटी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या यूज करते हैं, बी ए ओ एच का होल्टवाइज। ठीक है, बी ए ओ एच का होल्टवाइज किसकी प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये क्या कर देगा, इस वाले ग्रुप को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। सी डब्ल ओ ई टी कितने क्या कर देगा, रिमूव करने का काम क्या करता है, बी ए ओ एच टू को करता है। ठीक है, इस तरीके से हम कर लेंगे, थोड़ा है ना, इस तरीके से ये डबल वन ओ ओ इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रीजेंट हम कौन से यूज करेंगे, नेक्स्ट रीजेंट हमारा है एन ए ओ वी आर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसे ब्रेक करने का काम करता है। ठीक है, ये ब्रेक करने का, इधर ओ एच आ जाएगा, इधर ओ एच आएगा, यहाँ पे वी आर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्या निकलता है, सी एच वी आर के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो हमारा ये कैसे बनेगा, इस तरीके से सी डबल वन ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस तरीके से हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट कर लेंगे ई टी ओ नेगेटिव। ठीक है, ये दो बार रीजेंट इसको यूज करेंगे, एक बार यहाँ अटैक करेगा, एक बार यहाँ अटैक करेगा और ये ओ एच के तहीं बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ ई टी आ जाएगा यहाँ पर, सी डबल बॉन्ड ओ ई टी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारा फिर ई टी ओ नेगेटिव रिजेंट है, ये हमारा दो बार यूज होगा। यहाँ पे प्रोटॉन है, एक ही है, ये भी मतलब डबल स्टेप ना बनानी पड़े, इस चक्कर से मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब दो बार यूज करना पड़ेगा, फिर भी मतलब अलग अलग करेंगे, एक ही बार में कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाला प्रोटॉन ये पकड़ेगा, ये वाला प्रोटॉन यहाँ पकड़ेगा, इसके इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ ए टी और सी डबल बॉन्ड ओ ए टी, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट यहाँ लेंगे सी डबल बॉन्ड ओ ए टी, सी डबल बॉन्ड ओ ए टी, इस तरीके से हम ये ले लेंगे। ठीक है, तो इस ये वाइस के लोन पर इधर जाएंगे, ये ऊपर जाएगा, वापस आएगा, ओ ई टी को बाहर निकालेगा, ऐसे ये करेगा, ये इस पर अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, वापस आएगा और ओ ई टी को बाहर निकालेगा। इस तरीके से हमारा क्या बनेगा, इस तरीके से हमारा, तो देखो ये जो है वन टू ये हो गए, इस तरीके से इसको हम सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ ई टी, सी डबल बॉन्ड ओ ई टी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और ये वाले जो डबल ओ हैं, ये इधर आ जाएंगे, डबल ऑक्सीजन इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे वन टू वन टू, ओके, वन टू थ्री वन टू थ्री, ओके, ओ ई टी एच ई टी रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट, नेक्स्ट हम क्या यूज करेंगे, ये हमारा हो गया, तो नेक्स्ट हम कोई मेटल यूज करेंगे। ठीक है, मेटल हमारा एन ए पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन देता है, तो हम एक ही बार में मतलब दो स्टेप फर्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है ना, उसके बाद में हमारा ये हो जाएगा डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, इस तरीके से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ ई टी, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ ई टी, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है,
तो अब यहाँ पे हम कोई मिथाइल आयोडाइड ले लेंगे जो कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक मारेगा, आयोडीन को बाहर निकाल देगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हो गया। अब ये वाला नेक्स्ट स्टेप आगे लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारा क्या जनरेट हो गया, यहाँ पे हमारा मिथाइल जनरेट हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या सी डबल बॉन्ड हो एटी और सी डबल बॉन्ड हो एटी। ठीक है, यही था ना, यहाँ पे क्या है डबल ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे डबल ऑक्सीजन है, मिथाइल हमारा जनरेट हो गया। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे हम क्या लेंगे, कोई मेटल लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे कोई मेटल लेंगे जो कि ओ ई टी की तरह किस में कन्वर्ट कर दे, ओ एच में कन्वर्ट कर दे, जैसे एन ए एच जी का उपयोग करते हैं। ठीक है, एन ए एच जी ले लेंगे, तो एन ए एच जी हमारा क्या करेगा, इन्हें ओ ई टी की तरह किस में कन्वर्ट कर देगा, ओ एच में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और इसके लिए भी हमें किस में कन्वर्ट कर देगा, ये ओ एच में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये किसका काम करता है, कीटोन को एल्कोल में चेंज करने का काम करता है, क्या मेटल एच जी सी डबल बॉन्ड हो, सॉरी ओ एच सी डबल बॉन्ड हो एच। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ओ एच, यहाँ पर आ जाएगा ओ एच। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे ये मिथाइल तो मिथाइल है ही, ठीक है ना। उसके बाद में क्या लेंगे हम, एच आई ले लेंगे। एच आई क्या करेगा, इसे दोनों ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा, दोनों एल्कोहल को, और उसके बाद में यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट कर देगा। ठीक है, ये किसका काम करता है, यहाँ पे क्या करेगा डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो ई टी, सी डबल बॉन्ड हो ई टी। ठीक है गाइस, हम स्टेप बाई स्टेप चल रहे हैं, बहुत अच्छे से ये रिएक्शन करते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या लेंगे, इस तरीके से यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पे कोई ऐसा रिएजेंट यूज करें जो कि डबल बॉन्ड को हटा के कोई लिविंग ग्रुप लग जाए। ठीक है, तो जैसे कि हम करेंगे एच बी आर, एच बी आर करेंगे, यहाँ पे जो एच आ जाएगा यहाँ पे बी आर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको जो एच इस पर आ जाएगा। ठीक है ना, बी आर मतलब नेगेटिव, बी आर जो है इस पर अटैक करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन लेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे क्या हो जाएगा सी डबल बॉन्ड हो ई टी, सी डबल बॉन्ड हो ई टी, मिथाइल एच टी से यहाँ पे क्या आ गया बी आर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब हम कोई ऐसा रिएजेंट यूज कर लेते हैं जो कि बी आर को हटा दे, क्या करे बी आर को क्या कर दे रिमूव कर दे। ठीक है, कोई ऐसा रिएजेंट यूज करते हैं, उसके बाद में जैसे कि हम करेंगे जेड एन, जेड एन बी आर कर लो या जेड एन आई कर लो, इस तरीके से कोई मेटल यूज करेंगे। ठीक है ना, जैसे जेड एन किसकी प्रेजेंस में, सी एस थ्री सी डबल ओ एच की प्रेजेंस में ले लेंगे जेड एन की तरह। ठीक है, तो ये हमारा क्या कर देगा बी आर को रिमूव कर देगा। ठीक है ना, तो हमारा क्या बनाएगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या बनाएगा सी डबल बॉन्ड हो ई टी, सी डबल बॉन्ड हो ई टी। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कोई हम ए एल सी एल लेंगे, ए एल सी एल ले लेंगे। ठीक है, ए एल सी एल क्या करेंगे, ए एल सी एल क्या करता है, ए एल सी एल इसे रिंग में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसे किस में कन्वर्ट कर देता है, रिंग में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन, ठीक है यहाँ पे जो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और बस ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या लेंगे, नेक्स्ट कोई मेटल लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा सोडियम मरकरी, सोडियम मरकरी की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, सोडियम मरकरी की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, दिख तो रहा है ना, ये क्या करेंगे, एक हमारा ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, एक हमारा क्या हो जाएगा ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, एक ऑक्सीजन रिमूव हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में लेंगे हम कोई एच सी एन, एच सी एन जो कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, ये बॉन्ड इधर जाएगा ये बाहर को लेगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया और ये सी डबल बॉन्ड हो नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा सी डबल बॉन्ड हो नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा हमारा इस तरीके से सी एन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, कोई मिथाइल आयोडाइड ले लेंगे, यहाँ पर अटैक करके इसे बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इस तरीके से हमारा हो गया सी डबल ओ
एम ई वो क्या हो गया सी एम हो गया ठीक है। अब नेक्स्ट क्या यहाँ पे यूज करेंगे एच थ्री ओ पॉजिटिव, ये किस में कन्वर्ट कर देगा, ये जो कन्वर्ट कर देगा किसको साइनाइड, किसको कन्वर्ट वाटर जो है एसिडिक मीडियम में लेंगे तो इसको ये किस में कन्वर्ट कर देगा सी एन को एसिड में कन्वर्ट कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा एसिड में कन्वर्ट कर देगा ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया तो है ही सी डबल बॉन्ड ओ एच ठीक है, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ एम ई ठीक है। इस तरीके से हम कर लेंगे, ये हो गई ये वाला ले लिया यहाँ पर, ये किस में कन्वर्ट हो गया एसिड में कन्वर्ट हो गया ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे इसको हम एसिड में कन्वर्ट हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप में कोई हम साल्ट का यूज़ करेंगे, तो साल्ट का यूज़ करेंगे साल्ट कैल्शियम का यूज़ करेंगे ठीक है। तो ये हमारा हो गया सी ओ एम ई और ये क्या हो गया हमारा सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ये जो बॉन्ड इधर आएंगे ये वाले और ये वाले इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, ये ऊपर जाएंगे तो ये बाहर जाएगा, ये वापस आएगा इसको बाहर कर देगा ठीक है। तो हमारी क्या बनेगी 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर हमारी जनरेट हो जाएगी, क्या हो जाएगी 6 मेंबर जनरेट हो जाएगी, 6 मेंबर हमारी क्या हो जाएगी जनरेट हो जाएगी ठीक है। इस तरीके से माइनस में क्या निकल जाएगा हमारे सी ओ टू ठीक है, और ओ एम ई निकल जाएगा जो कि यहाँ पर जो ये जो हाइड्रोजन है वो लेके एच एम मतलब इथाइल एल्कोहल बन जाएगा ठीक है। इस तरीके से हमारे क्या बन जाएगा एम ओ एच इधर बन जाएगा ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा, ये माइनस बाहर निकलेगा, ये क्या होगा हमारा कैम्फर हो गया। इसका दूसरी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी दूसरी स्ट्रक्चर ये हो गई, इसकी क्या हो गई दूसरी स्ट्रक्चर हो गई, इसे क्या बोलते हैं कैम्फर ठीक है। ये क्या हो गया कैम्फर ठीक है। इस तरीके से हमने पूरी रिएक्शन कंप्लीट कर ली है, इसकी मैकेनिज्म हमने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ठीक है गाइस। हम ऐसे पर डे एक वीडियो बनाएंगे जो कि जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो पर डे बाई पर डे हम इसको कराएंगे ठीक है। जैसे यहाँ शुरू करते हैं, यह देखो कैम्फर है, इस तरीके से हमने इसकी रिएक्शन शुरू करी थी और पूरी मैकेनिज्म लिखी है बहुत अच्छे से ठीक है गाइस। तो आज हम यही वीडियो ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो कोई इम्पोर्टेंट दूसरी रिएक्शन होगी वो लेके आएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आ गए, ये हो गया, ये सब देख लो ठीक है दोस्तों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ठीक है, और इसी तरीके से हमारी वीडियो देखते रहे और हम डे बाय डे रोज़ एक वीडियो लेकर आएंगे ठीक है गाइस। और इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम एमएससी फाइनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये कंप्लीट रिएक्शन कराएंगे, जितने भी नियम रिएक्शन है सभी डे बाय डे कराएंगे ठीक है। आज से वीडियो स्टार्ट कर दी, थैंक यू सो मच।